नमस्कार, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplanet.com के YouTube चैनल में। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस के रूम रेंट के कैपिंग के बारे में और उसका हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम पे क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में ये टॉपिक लेने के लिए कहा था, इसलिए इस टॉपिक को हमने लिया है। तो आजकल जो सिचुएशन बनी है अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना वायरस की, उसकी वजह उसके चलते हेल्थ इंश्योरेंस का भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट आ गया है और क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत बार आते रहते हैं। जैसे टर्म इंश्योरेंस का क्लेम तो एक ही बार आना है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम है बार बार आ सकता है। और हम देखते हैं कि हमने नई पॉलिसी ली है पूरी, लेकिन मुझे क्लेम तो कम मिल गया, मेरा बिल आ गया 1 लाख, मुझे क्लेम मिल गया 80,000, मुझे क्लेम मिल गया 70,000, मुझे क्लेम तो 50,000 ही मिल गया। तो ऐसा क्यों होता है, मुझे क्या असर करता है, तो मैं कौन सी पॉलिसी लूं, कौन सा कितने का कवर लूं, मुझे पॉलिसी में रूम रेंट का क्या देखना चाहिए। तो शुरू करते इस टॉपिक को, हमारे वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए। इस वीडियो को अगर आप अच्छा लाइक करते हैं तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट कितना रहता है, जैसे मैंने 3 लाख की पॉलिसी ली तो नॉर्मली रूम रेंट रहता है सम एश्योर्ड का 1%। सम एश्योर्ड मतलब जो रिस्क कवर है उसको सम एश्योर्ड या सम इंश्योर्ड बोला जाता है। मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली तो मेरा रूम रेंट रहेगा 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, दैट विल बी 5,000। अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली तो नो कैपिंग ऑफ द रूम रेंट। क्या होता है कि हमें ये पहले देखना है, क्योंकि देखिए रूम रेंट जो है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है अपने टोटल हॉस्पिटलाइजेशन के बिल पे, क्योंकि आपने कौन सी रूम चूज की है उसके ऊपर आपको बिल आने वाला है। जैसे मैंने सिंगल प्राइवेट डिलक्स रूम ली तो उसका बिल क्या आएगा, मैंने सेमी प्राइवेट रूम ली, मैंने शेयर्ड रूम ली, मैंने एक कॉमन रूम, कॉमन मतलब अगर मैंने जो शेयरिंग रहता है वहां पे मैं गया एक नॉर्मल इसमें, तो अलग अलग इसके अलग अलग बिलिंग रहते हैं। जैसे जो सिंगल प्राइवेट रूम है वहां पे जाने वाले डॉक्टर तो सेम ही है लेकिन उसके चार्जेस अलग रहते हैं, तो वहां पे स्पेशल नर्स रहती है स्पेशल, तो हॉस्पिटल के अलग अलग अपने अपने बिल के क्राइटेरियाज तय रहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, एक हॉस्पिटल है वहां पे सिंगल प्राइवेट रूम जो है उसका पर डे रूम रेंट है 7,000 रुपीज, ओके, और जो शेयर्ड रूम है उसका बिल है लेट से 4,000 रुपीज, तो और मेरी पॉलिसी है लेट से 3 लाख रुपीज की, तो मुझे रूम रेंट मिलने वाला है 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, दैट विल बी 3,000, और मैंने ले ली सिंगल प्राइवेट रूम, ओके, क्योंकि अवेलेबल है मैंने ले ली, तो अभी मेरा बिल आ रहा है 7,000 पर डे के हिसाब से, तो मुझे मिलेगा 3,000 रुपीज, 4,000 रुपए मुझे जेब से भरने पड़ेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं 10 दिन रहूंगा, 40,000 रुपए का जो डिफरेंस है मैं भर दूंगा, लेकिन मुझे क्लेम मिलता है बहुत कम, 40,000 से भी कम मिलता है। जैसे मेरा बिल आता है 2 लाख रुपए तो मुझे बिल आएगा 40,000 कम नहीं, उससे ज्यादा कम है, क्योंकि जो उस दोनों के रूम का जो डिफरेंस है, मुझे सम इंश्योर्ड का 1% अलाउ है, इसका मतलब मुझे उतने सम इंश्योर्ड की रूम लेनी चाहिए थी, रूम रेंट की बड़ा रूम लेने की वजह से उसके चार्जेस भी बढ़ गए अकॉर्डिंगली, जैसे स्पेशलिस्ट चार्जेस, कंसल्टिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, और उसका जो हॉस्पिटल का जो डिफरेंस है बिटवीन स्पेशल रूम रेट, स्पेशल रूम का रेट और नॉर्मल रूम का रेट, उसमें जो डिफरेंस रहता है वो पूरा का पूरा मेरे क्लेम के पेमेंट में से माइनस हो जाएगा। तो हम लोग चाहेंगे कि एटलीस्ट आप 5 लाख के ऊपर का प्लान लें, क्योंकि सम इंश्योर्ड का 1% जो है 5,000 और नॉर्मली 5,000 के यहां तक बिल जो रूम रेट है वो रहता है सिंगल प्राइवेट रूम का। लेकिन अगर आप 10 लाख का पॉलिसी लेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि 5 लाख के ऊपर जो पॉलिसियां है वो सिंगल प्राइवेट रूम देती है, सिंगल प्राइवेट रूम जो आपको 10,000 कॉस्ट करे, 5,000 कॉस्ट करके 7,000 कॉस्ट करे, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आप जो पॉलिसी लेंगे तो सिंगल प्राइवेट रूम जहां से स्टार्ट होता है वो वाली पॉलिसी लीजिए। क्या है कि हमारा बजट भी एक कंसर्न रहता है हमारे इंडियन पर्सन का, तो हम लोग नॉर्मली ज्यादा कितना मेरा पॉलिसी का बिल बन रहा है, मतलब पॉलिसी का प्रीमियम कितना बन रहा है वो भी देखते हैं। तो मैं ज्यादा 10 लाख की पॉलिसी लेना चाहता हूं लेकिन ले नहीं सकता, तो मैं 5 लाख की लूंगा, लेकिन जो पॉलिसी आपको सिंगल प्राइवेट रूम का चार्ज पे करने वाली है तो वो पॉलिसी ले, ना कि 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड अगर आप 5 लाख की ले रहे, तो अगर 3 लाख की ले रहे तो सभी कंपनियां 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड ही देने वाली है। तो मैंने इस वीडियो में आपको कवर किया है कि रूम रेंट जो रहता है वो बिल पे
क्लेम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो रूम रेंट मुझे रूम रेंट अगर मेरा जितना है उसके हिसाब से मुझे क्लेम मिलने वाला, तो क्या होगा, मैंने जो प्लान लिया है, मैंने जो मुझे क्लेम मिलने वाला है उसके अकॉर्डिंगली मैं मेरे इंश्योरेंस का प्लान करूंगा और मुझे उस हिसाब से सब कुछ बिलिंग वगैरह का मेरा भी खुद का बजटिंग है वो मैनेज करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, तो इस चीज को आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बड़े से बड़ा कवर लीजिए, जैसे 10 लाख का कवर आज के डेट में जरूरी है। अगर हम लोग एक 15 दिन भी कोई बंदा आईसीयू में रहा तो जानिए 40-50 हजार रूपये का आईसीयू का बिल बना देते हॉस्पिटल वाले, तो 15 दिन का 10 दिन का भी आप सोचिए 4-5 लाख बन जाएगा। ओके, तो रूम रेंट का जो कैपिंग है वो 10 लाख के पॉलिसी में नहीं रहता, सिंगल प्राइवेट रूम रहती है। खैर आईसीयू का रेंट जो है वो 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड रहता है, तो 5 लाख से नीचे तो पॉलिसी ले ही लीजिए ही मत, 5 लाख के ऊपर ही लीजिए। लेट से एक 40 एज का बंदा है 2+2 का अगर प्लान लेने जाए तो 1400 रुपीज से 1500 रुपीज मैक्सिमम में आपको अच्छे से अच्छा प्लान मिल जाएगा। और policyplanner.com हमारे वेबसाइट है, वी आर ऑथोराइज वेब एग्रीगेटर, हमारे वेबसाइट पे आप जाइए कंपेयर कीजिए और सभी अच्छे ब्रांड्स हमारे साथ में है। कुछ भी आपको अगर आपको कुछ क्वेश्चन है माइंड में तो हमारे बाकी वीडियोस भी दीजिए देखिए और हमें आप जरूर कॉल कर सकते हैं। और नॉर्मली लोग डरते हैं ऑनलाइन लेने के लिए, लेकिन ऑनलाइन ही प्लान लीजिए। आजकल हम लोग सब हमें टाइम मिला है तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस पहले प्रायोरिटी पे लीजिए। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे और बने रहिए हमारे साथ वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट। अगर आपके माइंड में और भी कोई वीडियो बनाने के लिए टॉपिक हो तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।